प्रिय दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम तथा 90वां वीडियो तथा दिल्ली शहर के 5वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली जैसे आधुनिक विकसित शहर में एक ऐसा महल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भूतिया महल है। आज मैं आपको घने जंगल में बसे उस महल की सैर पर ले चलूँगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं भटकती रहती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा घंटी को दबाना नहीं भूलें। आपके इस स्नेह से मुझे और ऊर्जा मिलती है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। कृपया कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर ही करें। हाँ मित्रों, जिस दिन मैं पुराने मालचा गांव की सैर करने गया उसी दिन मुझे एक भूतिया महल को खोजना था जिसकी जानकारी मुझे नेट से मालचा गांव के बारे में रिसर्च करते समय प्राप्त हुई थी। मैं मालचा गांव के अंतिम भाग में स्थित सरदार पटेल मार्ग के उस पार घने जंगलों में चला गया। कुहासा काफ़ी था, ठंडक भी काफ़ी थी। दूर से मैंने बंदरों, लोमड़ियों तथा जंगली गायों के झुंड को देखा। पहले मुझे भय लगा लेकिन फिर भी हिम्मत कर एक डंडे के साथ मैं आगे बढ़ा। डंडे को देखकर जानवर रास्ते से भागने लगे और गायब हो गए। सड़क पर मालचा लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ कि मैं पहुंचने वाला हूं। थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मालचा महल लिखा हुआ है। दाएं मुड़ने पर महल दिखाई दिया, टूटा हुआ, निर्जन सा, डरावना। इसके सीढ़ी पर मैं चढ़ा लेकिन भय के कारण अंदर नहीं जा सका। सीढ़ी से लिया हुआ एक वीडियो देखिए, कितना उजड़ा, सूना, जंगल से घिरा हुआ डरावना दृश्य है। आइए अब मैं आपको इस मालचा महल के रहस्यमयी इतिहास के बारे में बताता हूँ। इस महल का निर्माण दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1325 ईस्वी में एक शिकारगाह के रूप में बनाया गया। यह वही फिरोज शाह तुगलक हैं जिसके द्वारा 1354 ईस्वी में बने फिरोज शाह कोटला के अवशेष दिल्ली गेट के पास स्थित हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इसी के नाम पर है जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है। भूतिया मालचा महल के बारे में एक सच्ची कहानी यह है कि एक दिन 1975 ईस्वी में नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम में एक महिला अपने एक पुत्र और एक पुत्री के साथ रहने आ गई और यहाँ पर करीब 9 वर्ष तक रही। यह महिला अपना नाम बेगम विलायत महल बताती थी, बच्चा का नाम अली रज़ा उर्फ साइरस तथा बच्ची का नाम सकीना महल। वह अपने को अवध के वाजिद अली शाह की पोती बताती थी तथा ब्रिटिश शासन के द्वारा अवध को हथियाने के फलस्वरूप मुआवजे की मांग कर रही थी। पता नहीं 9 वर्ष तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा उन्हें मालचा महल आवंटित किया गया। 60 वर्ष की अवस्था में 1993 ईस्वी में विलायत बेगम ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद कालांतर में दोनों बच्चों की भी मृत्यु हो गई। उक्त महिला के नाम पर ही मालचा महल को बेगम विलायत महल भी कहा जाता है। लोग कहते हैं यहाँ भूतों का निवास है। बेगम विलायत महल की आत्मा आज भी भटकती है। इस वीडियो में
महल को देखिए, कितना सुनसान, उजड़ा हुआ तथा डरावना लग रहा है। यह स्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तब थोड़ा साहस को बढ़ाकर अकेले या समूह में जा सकते हैं। जंगली जानवरों से बचने के लिए एक डंडा अवश्य रख लीजिए। यहाँ जाने की कोई रोक नहीं है, अथवा आप दिल्ली टूरिस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति 800 रुपये शुल्क है। साथ में गाइड, जूट बैग, कैप, वाटर बॉटल, जूस, मफिन, बैज तथा ब्रोशियर मिलेगा, जिसकी जानकारी मुझे नेट से मालचा गांव के बारे में रिसर्च करते समय प्राप्त हुई थी। इसी जंगल में इसरो का अर्थ स्टेशन भी है। मित्रों, दिल्ली शहर के इस भूतिया महल की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप मुझे फॉलो करते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसे देश ले चलूँगा जहाँ सनातनी सभ्यता एवं संस्कृति अभी भी विद्यमान है। ऐसा लगता है मानो आप भारत के ही किसी शहर में घूम रहे हैं। यह उसी शहर का एक सड़क का दृश्य है। आप अनुमान लगाइए यह विदेश के किस शहर का दृश्य है और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा की तरह एक डॉक्टर होने के नाते मेरा एक मेडिकल संदेश, योग और व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।